أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم محترم ناظرين وسامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हकूक़ व फ़राज इस सीरीज़ में आप तमाम का दिल से इस्तबाल हैं बात चल रही थी पिछले दर्स में तलबा के हकूक़ अतिदा पर तलबा के क्या हकूक़ बनते हैं इस सिलसिले में सबसे पहला बुनियादी हक़ तालीम और तरबियत का इस सिलसिले में कुछ बुनियादी बातों की तरफ जो है मैंने इशारा किया था एक दूसरा बुनियादी हकल का जो इस पर बनता है जिसका अदा करना अदा पे जो है ज़रूरी है लाजमी हैं ताकि तालीम और त्लम का जो मसला है सीखने सिखाने का उसका फ़ायदा हो तो वो है अजीम हक़ शफ़त और रहमत का तलबा के साथ जो है नरमी और महब्बत का बर्ताव होना चाहिए क्योंकि शफ़त और महबत के दायरे में जो बात बताई जाती है तलबा आसानी के साथ जो है उसको लेते हैं नरमी से अगर हम बच्चों को ख़ास छोटे बच्चों का अगर शफ़त नरमी से प्यार से महबत से उस्ताद ये समझे कि गोया मेरा बेटा है अपने बेटे को हम कैसे समझाएँ जो वाकई बाप हो नरम दिल हो अपने बच्चों के हक़ में खैर हो बेहतरीन अंदाज़ में समझाएगा बार बार समझाएगा प्यार और शफकत से समझाएगा बग़ैर डांटे बग़ैर जो है गुस्सा किए तो उस्ताद को भी ये सोचना चाहिए कि यह अमानत हैं कौम के बच्चे हैं मुस्कबिल के मामार हैं तो उनके साथ नरमी का मामला हम करें शफक़त का मामला ताकि हमारी बात को कबूल करें क्योंकि नरमी से जो बात बताई जाती है इंसान कितना भी सख्त मिजाज हो कोई भी तबके का उम्र की किसी भी मरहल में हो हर इंसान हती के दुश्मन भी अगर हम उसके साथ सही मामला करें अच्छे अंदाज में कोई भली बात बताएं दुश्मन भी कबूल करते हैं तैयार हो जाता है ये तो हमारे अपने हैं यह हमारे जो हैं शागिर्द हैं जिन पर हम फख्र करेंगे मुस्कबिल में कि मैंने इसको पढ़ाया है मेरा इस शागिरद है मेरे लिए सदक़े जारिया बनने वाला है तो हमें चाहिए प्यारे नबी सल्लम का तरीक़ा हम अपनाएँ अल्लाह ताला ने मौलिम अवल महमदर रसूल वसल्लम की एक अजीम सिफ़त बताई कि आप रऊफ़ हैं आप रहीम हैं बड़े मेहरबान बड़े रहम करने वाले शुरू में जो आयत मैंने पढ़ी हैं सूरह तोबा की एक सौ अट्ठाईसवीं आयत अल्लाह ताला ने कहा लखद जयाकुम रसूल मिनफम के तुम्ही में से तुम्हारे पास एक पैग़म तुम्हारे जिन से एक पैगम्बर ऐसे पैगम्बर आए हैं अल्लाह ने उनकी सिफ़ात बयान की अज़ीज़न आलिमान तुम जिन पर तुम्हारा नुकसान निहायत ग्राँ गुज़रता कि उम्मत को कोई तकलीफ़ हो अल्लाह के नबी नबीम परेशान होते थे कोई भी नुकसान थोड़ा सा नुकसान भी हो बर्दाश्त नहीं था अल्लाह के नबी सास। हमेशा फ़ायदा पहुंचाने में अल्लाह के नबी सासन मसरूफ़ रहते थे अपनी नींद को कोर्बान करके अपने चैन व सुकून को कुरबान करके अल्लाह के नबी को इतनी फ़िक्र थी इस उम्मत की सहाबा की ऐसी तालीम अल्लाह के नबी सा ने ऐसी तालीम की सहाबियात को ऐसे दुरुस् का अहतमाम किया अल्लाह के नबी शाह आसलम ने कि अल्लाह को कहना पड़ा और जो लोग इस्लाम नहीं लाते थे उनके सिलसिले में इतनी फिक्र इतनी फ़िक्र अल्लाह अकबर अल्लाह खुद गवाही दी फ़ला का बाब सक फ़ला का बाब सक सुर कहफ आयत नंबर पाँच में अल्लाह ने यही कहा ऐसे लगता है कि इनकी फ़िक्र में आप अपने आप को हलाक कर देंगे अल्लाह अकबर इतनी फ़िक्र यहाँ अल्लाह तला ने कहा कि तुम्हारा नुकसान नहाय गिरा गुजरता है तकलीफ़ होती है अल्लाह के नबी सास में जो तुम्हारी मनफात के बड़े ख्वाहिशमंद हमेशा ख्वाहिश में रह, आप इस कोशिश में रहते हैं ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचें बंदे अल्लाह से करीब हों जन्नत को हासिल कर लें जहन्नम से बचें कब्र के अजाब से बचें दुनिया के मसाए मुश्किल से बचें ये फ़िक्र होती थी और ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालों के साथ बड़े शफी और मेहरबान हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शफीक़ हैं बड़े मेहरबान हैं ये सिफत जो है उस में मौलमत में मर्बियां में होने चाहिए और तालिबान उलूम नबुव्वत के हक हाँ में जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरम होने की गवाही खुद कुरान मजीद ने दी हैं अल्लाह ताला ने कहा सूरह अल इमरान 159 आयत नंबर 159 में कहा फबिमा रहमति मिन अल्लाह लिंतलहुम वलो कुंत फदना गलीद अलकलब लंतद मिन हालिक अल्लाह ती ने कहा कि अल्लाह की रहमत के बायस आप उन पर नरम दिल हैं अल्लाह की रहमत ना होती तो आप नरम दिल ना होते और अगर आप बस जबान होते बस जबान होते सख्त लहजा आपका होता और सख्त दिल होते फदन कहते हैं बस जबानी गलीद अलकलब सख्त दिल अगर आप होते तो अल्लाह ने कहा लन मिन फ़तिनिक ये तमाम के तमाम आपसे छट जाते हैं आपके मजलिसों में कभी ना आते आपके करीब ना आते आपकी बातों को ना सुनते सो जो है आप उनसे दरगुजर करें दरगुजर करें और उनके लिए इस्तार करें बेहतरीन तालीमत अल्लाह ताला ने दी प्यारे नबी सा की अदीम सिफत बताई कि आप मेहरबान हैं आप जो है नरम दिल हैं और आपका लहजा नरम है अल्लाह अकबर ये बेहतरीन सिफात एक मौलम के अंदर होना चाहिए तलबा के हक़ हाँ में हम मेहरबान हों उनके लिए शफकत और नरमी रहमत का मामला जो है हम उनके साथ करें और आप अलैहि वसल्लम का नरमी का नतीजा ही था कि सुफा, अब सुफा एक चबूतरा मस्जिद नबी में जो है चबूतरा था जिसमें तीन सौ के करीब गरीब मस्किन नौजवान साहबा कराम जिसमें मशहूर जो है राबियत अबू अबू हरेरा रत तन इस जमात में मौजूद थे अल्लाह के नबी सा इस नरमी की वजह से जो है इतने लोग आपके सामने आते थे आपके मजालस को लाजिम पकड़े दिन और आज जब भी मौका मिलता अल्लाह के नबी सलीसम से जो है कस्बे फ़ैज हैं उठाते थे और आपके साथ चिमटे रहते हमेशा खास अबू हरदा जिन्होंने अल्लाह के नबी के पास सिर्फ चार साल की मदत मुख्तसर मुदत आपने गुजारी और सबसे ज़्यादा सहाबा में हदीसें रिवायत करने वाले हदीसों को हफ्स करने वाले अल्लाह के नबी की बातों को सुनने वाले ये नरम लहजा था इस शफ़त और अहमद का मामला था कि अल्लाह के नबी सा की सोहबत में रहकर साहबा सुकून हासिल करते कुरान हदीस की बातें सीखते सिखाते और बड़े बड़े जो है दाई वक्त के बड़े इमाम वक्त के बड़े मुहदस फ़कीर और अदीब और मुख्तलि फ़ुनूम में जो है उन लोगों ने अच्छी सलाहियत और महारत हासिल की और उम्म को जो है फ़ायदा पहुँचाया अल्लाकबा और इसी तरह शफकत और नरमी का तखादा है कि देखिए कभी तलबा जैसे मैंने कहा इंसान होते हैं मासूम होते हैं जहालत शुरू में होती है पाई जाती है इल नहीं होता वो इल के लिए आते हैं इल के प्यासे होते हैं तो जब जब कभी ऐसा हो कि किबा सुस्ती का मुजाहरा करें ग़लती हो जाए हमारा जो हक़ बनता है अदब के ख़िलाफ़ कुछ करें अखलाक के दायरे में ना रहें या कभी सबक ना सुनाएं सुनाने में सुस्ती हो जाए उनसे गौलत हो जाए तो उनके साथ अच्छा मामला करें उनको एहसास दिलाने की कोशिश करें बेटा अगर तुम याद नहीं करोगे तो आपका नुकसान आप अच्छे नहीं बनोगे आपका वक्त ज़ाये होगा आपकी उम्र ज़ाये होगी इस तरह के अच्छे कलिमात कह कर उनको उभारें उनको उभारें और बाज इस का एक किरदार होता है कि तलबा को सुस्त जाहल काहिल काहली का, करने वाला इसी तरह बाज़ तो जो है मजाक उड़ाते हैं ऐसा मजाक के दूसरे हंसते हैं उस पर बुरा भला कहते हैं उसकी तहखीर करते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बाज़ बाज़लबा तो आना ही छोड़ देते क्लास में आना ही छोड़ देते हैं तालीम हासिल करना मदरसा ही छोड़ देते हैं स्कूल ही छोड़ देते हैं कॉलेज ही छोड़ देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ कि हमारे गलत रवैये की वजह से गलती उसकी है मानते हैं लेकिन हमारा सलूक उसके साथ बेहतर से बेहतर होना चाहिए एक ना पढ़ने वाला भी हमारे करीब आए पढ़ने उसके अंदर शौक़ पैदा हो कितने ऐसे वाक़ हम पढ़ते हैं तारीख़ में कि जिनको कुछ भी नहीं आता था ये जो बिल्कुल शरीर थे तलबा लेकिन इस मेहनत थी और मौलमी की मुरबीन की ऐसी मेहनत कि माशाल्लाह वक्त के बड़े मुहदस वक्त के बड़े मुफ्कर वक्त के बड़े दाई बने ऐसे अज़ीम सनाज भी बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जिनकी तारीख को पढ़ के देखिए जिन्होंने अपने बयान के जरिए अपने तहरीर के जरिए उन्होंने अपने वाकियात का जिक्र किया वो कैसे थे मेहनत कैसे की, की गई उन पर और ये बेहतरीन अंदाज अल्लाह के नबी सा के तरीक़े को अपना कर जिन लोगों ने भी कोशिश की हती के काफिर हैं यहूदी हैं नसरानी हैं लेकिन उनके अच्छे बेहतरीन अंदाज की वजह से तलबा उनके पास भी जाते हैं पढ़ते हैं और महारत हासिल करते हैं वक्त के बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं अल्लाह अकबर तो जब एक काफिर आ सकता है तो हम कुरान हदीस को पढ़ाने वाले और ये दीनी तालीमात पढ़ाने वाले हमारा कैसा लहजा होना चाहिए हमारा कैसा अच्छा उसलूब होना चाहिए हमें फ़िक्र कर इस सिलसिले में फ़िक्र करनी चाहिए और देखिए अल्लाह के नबी सा एक दो वाक़े जिक्र करके अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ उस बदो का वाक़ा इशारा करूँगा बदो का वाक़ा जो मस्जिद नबी में आकर पेशाब करना शुरू कर दिया साहबा ने थोड़ी सख्ती की दौड़े भी उसको रोकने के लिए उसको डराने के लिए मारने के लिए लेकिन प्यारे नबी अलैहि वसल्लम का उसलूब देखिए एक बद्दू, एक बद्दू ने चंद लमहे का ये वाक्य अल्लाह के नबी सा जो सलूक था सहाबा को आपने रोक दिया और उसको पेशाब करने दिया बायदा जब वो फारिग हो गया मुकमल क्योंकि बीच में अगर दरमियान में पेशाब रोक लेता तो उसको बीमारी हो जाती परेशानी होती जिसमानी एतबार्ला के नबी ने उसका ख्याल रखा फिर जब वो पेशाब से फ़ारिग हुआ मुकम्मल अल्लाह के नबी ने साहबा को हुक्म दिया कि उस पर पानी डाला जाए फिर उसको तनहाई में बुला कर आपने नसीहत की कहा कि देखो मस्जिदें इसलिए नहीं बनाएगी ये अल्लाह का घर है ये इबादत की जगह है यहाँ जिक्र होता है अल्लाह का जिक्र तिलावत या नमाज़ पढ़ी जाती यहाँ इस तरह के गलत काम नहीं किए जाते इतना बेहतरीन अंदाज था अल्लाह अकबर रावी कहते हैं अनसरत अल्लाह तैन उस बद्दू ने दुआ की अल्लाह ताली से दुआ की अल्लाह नी वर महमदा व तरह कहा महमद सल्लाम पर रहम फ़रमा मुझ पर रहम फरमा हम दोनों के अलावा किसी पर रहत फरमा क्योंकि साहबा का जो तरीक़ा उसने देखा गलत तरीक़ा मारने का डराने का कहा कि इन पर रहमत कर मुझ पर रहम फरमा कि मुझे नहीं मालूम था इस मस्जिद का तद्दस क्या है मक़ाम क्या है और प्यारे नबी सा पर रहम फरमा कितना बेहतरीन अंदाज़ है आपने मुझे समझाया मेरी गलती का एहसास एक बद्दू ने तसरा दी अल्लाह अकबर तो देखिए इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह त छोटे बच्चे अल्लाह के नबी के इन्तकाल के वक्त बिल्कुल आप बलुगत के ख़रीब थे बालग हो गए थे लेकिन छोटे बच्चे अल्लाह के नबी के अच्छा के लड़के भी थे ममूना रजी अल्लाह तरह में उनकी ख़ाला भी थीं अल्लाह के नबी खालू होते थे तो आपके साथ अक्सर आते थे घर में आपके साथ सोया सोया भी करते मशहूर रिवायतें हैं काफ़ी एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने उनको समझाया या गोला मूँ कहा छोटे प्यारे बच्चे असलू, उसलू उसलूब देखिए ऐ मेरे प्यारे बच्चे छोटे बच्चे वो इन्नी विल्म का कलिमात मैं तो कुछ कलीमत कुछ अच्छी बातें सिखाता प्यारे अंदाज में अल्लाह के नबी सास में इस तरह जोटे बच्चों पर और बहुत सारे वाक़ात हैं सहाबा के साथ कैसे सलूक अल्लाह के नबी सास ने किया माविया बिन हकम रदी अल्लाह का वाक़ मशहूर हैं सही मुस्लिम में सिर्फ इशारा मैं करूँगा नमाज़ की हालत में उन्होंने छींक का जवाब दिया छींक अगर आती है नमाज़ में सिर्फ जिसको छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की इजाज़त है लेकिन जवाब देने की इजाज़त नहीं है तो उन्होंने जवाब दिया साहबा ने उनको घूरना शुरू कर दिया खामोश करने की कोशिश की लम्बा वाक़ा है आखिर में जब नमाज़ से फ़ारि हुई अल्लाह के नबी सासम ने बेहतरीन अंदाज़ में उनको समझाया तो कहते हैं अल्लाह अकबर ये छोटा सा देखिए वक्त जिसमें अल्लाह के नबी ने उनकी तरबियत की कुछ अच्छे जुमले कहें कहते हैं अल्लाह के सल्लम से बेहतर मम मुरब्बी और बेहतर उस्ताद मैंने दुनिया में नहीं देखा अल्लाह ये गवाही दी उन्होंने इसी तरह अमर बिन नबी सलम उमसमल तौ के साहिब ज्यादे जो अबूसलमा से थे अल्लाह के नबी जिन ने जब उम्मा से शादी की व्ला के नबी के सरपरस्ती में जो है निगरानी में पले बड़े तो एक मरतबा अपना वाक्य बताते हैं मैं छोटा बच्चा खाना खा रहा था तो मेरा हाथ बर्तन में इधर उधर जो है घूम रहा था अल्लाह के नबी सासन मुझे खाने के आदाब बता बेहतरीन अंदाज में ना डांटा आपने बुरा भला नहीं कहा प्यारे अंदाज में या गुलाम साम ओ कुल बे अमीनिकल मा अली कहाँ अल ए प्यारे बच्चे है मेरे प्यारे बच्चे कहाँ समिल्ला का नाम लेकर बिस्मिल्लाह कह के खाओ ओ कुल बे अमीनिक कहाँ अपने दहने हाथ से खाओ ओ कुल ममा अली और तुम्हारे जो ख़रीब है उसको खाओ बेहतरीन तालीम अल्लाह के नबी सा ने दी इसका बड़ा असर हुआ ज़िंदगी भर उन्होंने याद रखा इस हदीस को बयान किया दूसरों की जो है साहबा ने इन आदाब को ख़्याल करते हुए दूसरों को समझाया इस तरह के बेशुमार वक़ात हैं अल्लाह के नबी सासम की ज़िंदगी में बेहतरीन उसलूब उमर का तखादा उमर के हिसाब से नौजवानों के लिए जो तरबियत अल्लाह के नबी सासम ने की बदकारी का जो वाक़ से इशारा करके अपनी बात को ख़त्म करूँ बदकारी की इजाज़त मांगी वहाँ भी अल्लाह के नबी ने नहीं डांटा उस नौजवान को करीब बुलाया उसके सीने पर हाथ रखा दुआ दी अल्लाह इसके दिल को पाक कर दें इसके दिल को पाक कर दे गुनाहों को माफ कर दे उसको सही समझ बहुत सारी दुआएँ अल्लाह के नबी ने उसको दीं कहते हैं उस नौजवान पर इतना असर हुआ आपकी तालीम का आपकी शफ़त नरमी का ज़िंदगी भर उसने फिर बदकारी नहीं की गुनाहों की तरफ़ नहीं गया अल्लाह ऐसे बेशुमार वाकयात हैं हमें भी चाहिए कि जिसको भी अल्लाह ताला ने ख़ास हर एक को चाहिए कि हर एक जो भी चाहता है किसी की असलाह करें कोई गलत काम हो रहा है उसको रोके ख़ास तौर से जो टीचर्स हैं उस कहलाते मौलिमात कहलाते हैं हम पर वाजिब जरूरी हैं हसब इस जितना बेहतरीन तरीक़ा हो सकता भले अपने अपने आप को तरबियत करें अपनी तरबियत करें अपने आप को तालीम दें अल्लाह के नबी सा की इस बेहतरीन उमदा तलीमत को अपने अंदर पैदा करें फिर हम जो है इस फरीजे को अंजाम दें इन वो दिन दूर नहीं कि हम जो है इसमें कामयाब होंगे इन शे पास पढ़ने वाले शागिर शागिरदाद जो हैं इन शस्तबिल में काफ़ी अच्छा काम करेंगे हमारे लिए सदक़े जारिया बनेंगे शर्त यह है कि इनके हकूक़ हम अदा करें उनको सही तालीम दें बेहतर से बेहतर तरीक़ा अपनाएँ दुआ है रबरमिन से अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने के अल्लाह तोफ़ी फरमाएं और हर एक के हकूक़ का महकव अदा करने की सदत नसी फरमायें इस सिलसिले में जो भी कोताहियाँ सुस्ती काहली और गलत कामों का जो इरतकाम हमसे होता है अल्लाह हमसे दरगुजर का मामला फरमाएं हर कस्म की सख्ती हर क़स्म की बदजबानी और गलत मनफी किरदार और गुफ्तार से जो है हमें बचने की الله ساعدنا سي فرمائیں آمين سمع امین وما علينا الا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته